आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि इसके ऊपर यकीन करें या इसके ऊपर ना करें, क्योंकि ये वाली स्टोरी रिलेटेड है यूएफओस के साथ, एलियंस के साथ, द जायंट्स के साथ। कनाडा में एक आदमी था, उसका नाम था एंड्रयू डॉसन। एंड्रयू जो है वो एक बहुत ही हैप्पी और खुश मिजाज वाला इंसान था और वो एक ट्रैवलर था। वो जहाँ भी ट्रैवल करता था अपने ट्रैवल की वीडियोज बना के टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया करता था। लेकिन एक बार उसने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करी जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज है खुद उसने उसकी जान ले ली। अब उस वीडियो में ऐसा क्या था, एंड्रयू ने क्या रिकॉर्ड किया था और ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं चाहती, जो आप और हम जैसे लोगों को मालूम पड़े, इसी के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2022 में, जहां कनाडा में एक आदमी था, उसका नाम था एंड्रयू डॉसन। एंड्रयू डॉसन एक ट्रैवलर था और वो जहां भी ट्रैवल करता था अपने वीडियोस बना के टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया करता। लेकिन एक बार एंड्रयू ने ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जो कि बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया। वो अपने दोस्त के साथ ट्रक में जा रहा था और उसने देखा कि वहां पे बर्फीली पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। शुरू में तो एंड्रयू को डाउट हुआ कि शायद वो कोई फोन का टावर होगा, लेकिन बाद में उसने वही वीडियो को अपलोड कर दिया और उसका कैप्शन रखा इट्स अ जायंट। अब जो लोगों को नहीं पता, जायंट जो है वो एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है। इमेजिनेशन के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ा किंग कॉन्ग। अब बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं कि ऐसे कोई क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि ये अभी भी हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया आएंगे तो इंडिया पे जो नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है और हिमालयन रेंजेस है, वहाँ पे इस तरह के क्रिएचर्स को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और एक बार न्यूज़ आई थी कि इंडियन आर्मी ने भी जायंट के फुटप्रिंट्स वहाँ पे देखे हैं। तो एंड्रयू ने भी यही बोल के पोस्ट कर दिया कि इट्स अ जायंट, ये एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। और रातों रात उसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया, उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए और लोगों में डिबेट चल गई कि कनाडा में जायंट आ गया है। और सब ने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो वापस उस जगह पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर वहाँ पे क्या है और क्या हो रहा है। तो अपने फॉलोअर्स की बात मान के एंड्रयू ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन दोबारा जाए और वो दोबारा उसी पॉइंट पे गया। लेकिन यहाँ पे जब जाने के बाद उसने देखा इस बार पहाड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं था। इस बात से उसे ये तो कंफर्म हो गया कि वहां पे कोई मोबाइल टावर नहीं था, वो एक जायंट क्रिएचर ही था। उसने आसपास के लोकल लोगों से बात की तो लोकल लोगों ने बताया कि वहां पे कुछ तो है, पता नहीं वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बुलाया जाता है, लेकिन वो चीज वहां पे आती जाती रहती है। और वहां के लोकल लोगों ने भी बताया कि वहां पे कुछ तो क्रिएचर है वहां पे। और वहीं पे एक लोकल बूढ़े आदमी ने उसको बताया कि अगर वो चाहता है कि उस पॉइंट तक पहुंचे तो वो इस रास्ते से चले जाए। तो उस बूढ़े आदमी की बात मान के एंड्रयू ने अपना ट्रक लिया और उस रास्ते से उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन आगे जाकर एंड्रयू ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसीज पहुंच चुकी थी और उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उन लोगों ने एंड्रयू को आगे जाने नहीं दिया। अब एंड्रयू ने उनके साथ कोई बहस नहीं की, वो वापस अपने घर आ गया और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। और उसने बोला कि यहाँ पे वो गया था, वहां पे कोई टावर नहीं है, वहां पे कोई जायंट ही था और वहां पे गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलरेडी पहुंच चुकी है, वो आगे जाने नहीं दे। और उसने ये भी बताया कि वो कल दोबारा जाने। और जैसे ही वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहा था उसने कुछ ऐसा देखा कि वजह से उसका पूरा का पूरा दिमाग हिल गया। उसने वहां पे देखा कि दो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स वहां पे कोई बहुत बड़ी चीज को एक्सट्रैक्ट करके लटका के ले जा रहे हैं। और वहां पर उसने उसी टाइम पे कुछ यूएफओस भी देखे। यूएफओस होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, और नॉर्मली यूएफओस को लिंक किया जाता है एलियंस के साथ, स्पेसशिप्स के साथ। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और वहां पे जो कुछ भी घटना हो रही थी उसको रिकॉर्ड करने। रिकॉर्ड करने के बाद वो उस पहाड़ी के पास रास्ते पर गया, लेकिन वहां पे पहले की तरह ही गवर्नमेंट एजेंसीज और उनकी ब्लैक कार वहीं पे मौजूद थी। और इस बार भी उन लोगों ने उसे आगे जाने नहीं दिया और ये बोल दिया कि एनवायरमेंटल रीजन की वजह से आगे रास्ता बंद है। लेकिन इस बार उसने ये वाला इंसिडेंट भी मोबाइल में रिकॉर्ड कर। अब घर आने के बाद वो दोबारा अपना वीडियो बना रहा था और लोगों को बता रहा था कि कैसे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए थे और वो कोई बहुत बड़ी चीज को वहां से उठा के ले जा रहे थे। लेकिन इतने में ही वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि एंड्रयू के पूरे होश उड़ गए। वो गवर्नमेंट ऑफिसर और उनकी ब्लैक कार एंड्रयू का पीछा करते करते हुए उसके घर तक पहुंच गए और एंड्रयू की हर एक एक्टिविटी के ऊपर उन लोगों की नजर थी। अब एंड्रयू बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वो अकेला रहता था और उसने अपना मोबाइल ऑन किया और उस कार की तरफ बाहर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उन ऑफिसर्स ने ये देखा कि इसके हाथ में कैमरा है, उन लोगों ने अपनी गाड़ी वहां से फौरन भगा के ले ली। ये वाला वीडियो लास्ट था। इसके बाद 3 हफ्तों तक एंड्रयू के अकाउंट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी नया वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं। सब लोग बोलने लगे कि वो मर गया है, उसने पंगा ले लिया है गवर्नमेंट ऑफिसर से। लेकिन 3 हफ्तों के बाद एंड्रयू अपना एक वीडियो पोस्ट करता है
और उस वीडियो में वो बताता है कि अब तक उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी जायंट के बारे में, एलियंस के बारे में, यूएफओ के बारे में, वो सब फेक थी, वो सब उसने सिर्फ हंसी मजाक में किया था। लेकिन उसकी जो ऑडियंस है वो ये बात आने पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस एंड्रयू ने बनाए थे उसमें वो बहुत ही हंसता खेलता हुआ वीडियो बनाता, मोबाइल को अपने हाथ में लेके बनाता, लेकिन ये पहला वीडियो था जिसमें उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए थे और वो बहुत डर डर के वीडियो बना रहा था। मतलब यहाँ पे उसके साथ कमरे में कोई और भी था जो ये फोन पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और लोगों ने ये भी नोटिस किया कि वीडियो में वो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था, और साथ ही में बार बार वो अपने लेफ्ट साइड में देख रहा था जैसे कि वहां ऑलरेडी कोई हो और जबरदस्ती उससे वो बुलवाया जा रहा। और फिर 10 दिन तक एंड्रयू पूरी तरह से गायब था, उसके अकाउंट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ। लेकिन 10 दिन के बाद उसने एक नया वीडियो अपलोड किया जिसने उसके ऑडियंस के पूरे होश उड़ा दिए। इस वाली वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता था कि एंड्रयू अपना घर छोड़ के, अपना बोरिया रिश्ता समेट के कहीं भाग रहा, और उसने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि अब बस ये टॉर्चर मैं नहीं सह सकता, और उसने बोला कि जो कुछ भी उसने बताया था जाहिर के बारे में वो 100% सही है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर प्रेशर डाल रही है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, अब वो ये सब नहीं सह सकता, और वो अपना सारा सामान लेके, अपना घर छोड़ के, अपना गाँव छोड़ के कहीं दूर भाग जा रहा था। इस वीडियो के बाद आज तक उसका अकाउंट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वो जिंदा है, वो मर गया, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। एंड्रयू का आज तक कोई भी अका फका बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरी तरह से गायब है। लेकिन 6 महीने के बाद वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि एंड्रयू जो है अब वो मर चुका है, और उसके डेड बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान थे, जैसे किसी ने उसको मार मार के मर्डर कर दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे जायंट का होना, वहाँ पे कुछ UFOs का दिखना, क्या ये सारी चीज़ें रियल में रीजन थी उसकी मौत का, या फिर ये सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती भी हैं या सिर्फ कहानियां हैं? ये सारी चीज़ें रियल हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल रियल है कि एंड्रयू आज तक। तो ये थी आज की स्टोरी, होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि कैसे चाइना में 4 करोड़ लोग तड़प तड़प के मरे थे सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया की वजह से, अगर ये वाली स्टोरी आपको जाननी है तो बाजू में जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।